केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खबर प्रयागराज से, जहां माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। कमेटी में एडीसीपी क्राइम एसीपी भी शामिल है। बीते शनिवार की रात को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अस्पताल पहुंचे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया था। घटना का लाइव वीडियो भी टीवी पर चल गया है, क्योंकि उस वक्त अतीक और अशरफ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। माफिया नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या किए जाने से एक दिन बाद रविवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर इसकी जांच के लिए शीर्ष न्यायालय में एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ की जांच का भी अनुरोध किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी के लखनऊ से बाहर के दौरे के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दस्ता मुहैया कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उनके क्लोज प्रोटेक्शन का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। दरअसल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में बड़ी बैठक की। इसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और इसके साथ ही सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम के सारे सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी से बाहर कहीं दौरे पर जाने पर अतिरिक्त सुरक्षा दस्ता तैनात करने का फैसला लिया गया है। वहीं वेंकटेश्वर अय्यर ने रविवार 16 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ इतिहास रच दिया। वो ब्रेंडन मैकुलम के बाद आईपीएल में शतक बनाने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे बल्लेबाज बन गए। मैकुलम ने आईपीएल इतिहास के पहले मैच में शानदार 158 रन बनाए थे। तब से कई बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 3 अंकों के आंकड़े तक पहुंचने के करीब थे, लेकिन असफल होते रहे। इसी के साथ वेंकटेश अय्यर ने एक और खास लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वेंकटेश अय्यर आईपीएल में एक पारी में 9 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले 12वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारत के मुरली विजय के नाम है। उन्होंने एक पारी में 11 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने एक पारी में 10-10 छक्के लगाए हैं। तो वहीं एक पारी में 9 छक्के लगाने का रिकॉर्ड 9 बल्लेबाजों के नाम है। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई, जहां सीएम नीतीश कुमार ने यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घटना अपने आप में दुखद है। पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराने आए किसी भी आदमी को कोई कैसे गोली मार सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रेस वाले क्या ऐसा काम कर सकते हैं। वही बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसे गोली मार दी जाएगी क्या। सजा देने के लिए न्यायालय बना हुआ है, इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मार देना दुखद है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो जेल में जाएगा उसे मार दिया जाएगा क्या। अपराधी को कानूनी रूप से सजा दी जाती है। दिल्ली कैपिटल्स की हालत आईपीएल 2023 में काफी खराब है। उन्हें 5 में से 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। टूर्नामेंट में सकुशल में ही लगातार इतने मुकाबले हारने के बाद उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी बात कही और टीम के कोच सौरभ गांगुली पर निशाना साधा। रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा, जिस तरह से सभी टीमें अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आगे बढ़ रही है, इस हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स के लिए आगे के मैच काफी मुश्किल होने वाले हैं। दिल्ली में डग आउट में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हारने की आदत नहीं है। कप्तान डेविड वार्नर भी जीतने के ललक में रहते हैं, वो हारने के बारे में नहीं सोचते। दिल्ली 5 मुकाबले में 5 बार हार चुकी है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म हो और उसकी चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दिनों भाईजान यानी कि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर सुर्खियों में है, जिसके साथ सलमान लंबे समय बाद बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके पूजा हेगड़े से लेकर शहनाज गिल, राघव जुआल,
पलक तिवारी जैसे स्टार्स भी हैं, जिसके चलते ये फिल्म शुरू से ही चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई हैं, जिनमें दर्शकों को खाली उम्मीदें ही थी। कहा जा रहा है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा सकती है और सलमान खान के करियर को भी नया मोड़ दे सकती है, और इसके पीछे की काफी वजह भी है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिल गया है। 6 बार के विधायक रहे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने सोमवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जहां शेट्टार अब कांग्रेस से अपनी सीट हुबली धरवार से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में उनके राजनीतिक कद के बारे में भी बताया। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत। बीजेपी के पूर्व सीएम, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, 6 बार विधायक श्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये फैसला बैंगलोर में सुरजेवाला, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद ली। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो कहा ही कहा, जल्दी दबाओ।